जय हिंद साथियों, सभी को अपने परिवार पीवीआर स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज हम लोगों का डे 14 है और हमने नाउन, जो नाउन नंबर होते हैं उसमें हम लोगों ने जो रूल, कुछ रूल पढ़ लिए थे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग रूल 6 को देखेंगे, ठीक है। रूल 5 तक हम लोग कवर कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था ओ वाला रूल, वाई वाला, एफ डबल एफ वाला, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, और सी एच वाला जो डबल एस सी एच एस होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया था। अब हम कुछ ऐसे नाउन देखेंगे जिसमें वॉवेल लगा करके उसको हम क्या करते हैं साथियों, वर्ब फॉर्म बनाते हैं। ऐसे देखो, यानी कि हम यहाँ पे रूल 6, यानी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम एक इंटरनल होते हैं जिनके, जिनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, उसको इंटरनल में, यानी इंटरनल वॉवेल लेटर, जो वॉवेल होता है ना, ए आई ओ यू और एक्स वाई भी होता है, ठीक है, तो उसमें चेंजिंग करके उसको क्या करते हैं साथियों, हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में देखो, जैसे कि मैन, अब बताओ मैन का प्लूरल क्या होगा। अब ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट होगा जो मैन को मैंस कर देगा, ठीक है बच्चे, ऐसे भी हम कह रहे हैं सर एस लगा देंगे, मैंस कर देंगे, आप वहाँ पे क्या कर जाओगे साथी, गलत हो जाए। हमने आपको बताया कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसके इंटरनल, यानी कि इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, यानी कि इसके अंदर वाला वॉवेल लेटर को चेंजिंग करते हैं, यानी कि जो वॉवेल लेटर होते हैं ए ई आई ओ यू उसी में चेंजिंग करते हैं, पढ़ करके उसका क्या करते हैं साथ ही, हम लोग प्लूरल फॉर्म तैयार कर। बताओ यहाँ पे बीच में बवेल कौन है इसका, ये दिखाई दे रहा है, तो बताओ इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे क्या हो जाएगा साथियों, एम ई, बताओ समझ पा रहे हो साथियों, इसके हम इंटरनल ए में चेंजिंग किया, ई किया, तो ये प्लूरल फॉर्म बन गया। कभी ये नहीं करना कि मैन में एस लगा देना, ठीक है, ये कभी गलती आप लोग साथियों नहीं करना। सभी को कमेंट करो ये रूल समझ में आ रहा है कि नहीं। हमने ये बताया कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम प्लूरल बनाने के लिए इंटरनल पार्ट, यानी कि उसकी आंतरिक पार्ट, यानी कि जो अंदर वाले जो लेटर है इसमें, उसके वॉवेल वाले लेटर में चेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं साथियों, वॉवेल वाले लेटर में चेंजिंग करके उसका एक प्लूरल फॉर्म तैयार करते हैं। बताओ कैसे, देख लो टूथ, टी डबल ओ टी ए, अब बताओ कितने बच्चे इसको कहेंगे टी डबल ओ टी एच एस लगा देंगे, जब एस लगाओगे तो गलत हो जाए। मैं देखो वॉवेल में चेंजिंग करने को, वॉवेल डबल ओ है, इसमें हम चेंजिंग करके क्या कर सकते हैं साथियों, टी डबल ई टी एच, क्या करेंगे साथियों, टी डबल ई एच, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, ये क्या सिमिलर है। बताओ साथियों, कमेंट करो जल्दी जल्दी। बहुत खूब अवंतिका जी, बहुत खूब अखिलेश, नितिन, बहुत अच्छा। देखिए मैंने ये बताया कि कुछ ऐसे नाउन होते जिनका इंटरनल पार्ट में हम लोग चेंजिंग करेंगे, प्लूरल फॉर्म उसका तैयार कर देंगे। समझ रहे हो साथियों, समझ रहे हो ना, बहुत को बहुत कमेंट करो साथियों सभी कोई। और भी इसके एग्जांपल दे दूं, बताओ तो मैं एग्जांपल कभी साथियों एकदम वाथी लगा दूंगा, हम भरमार कर दूंगा। जैसे ले लो फुट, एफ डबल ओ टी, हो जाएगा एफ डबल ई टी, क्योंकि यहाँ पे बवेल है, इसमें भी चेंजिंग कर दूँ। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो साथियों, बताओ और बताओ, लिखवा दूँ। ओमेन भी सुनो यार, ओमेन भी ले लो, डब्ल्यू ओ एम ए एन, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एम ई एन, यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ई कर दे, यानी कि उसके बवेल लेटर में हम लोग इसको चेंजिंग कर देंगे प्लूरल फॉर्म। तो ये इसका लिखो, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम वॉवेल लेटर, यानी कि उसके आंतरिक वॉवेल लेटर में चेंजिंग करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, और उसका कुछ एग्जाम्पल लिख। चलो जल्दी करो भाई, बहुत खूब, ये बच्चे सब कमेंट देख ले, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात, सभी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले मैंने ये बताया साथियों कि जब कोई नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं साथियों जिनका हमको प्लूरल बनाने के लिए ये आंतरिक वर्ड में हमें चेंजिंग करना पड़ता है, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे तूत, तूत से मैंने तीत बनाया, यहाँ पे साथ तूत ही नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे तीत है, ये वाला एस लगा हुआ तो गलत हो जाएगा। ऐसे इसमें टी डबल ई, यानी कि वॉवेल लेटर में चेंजिंग करोगे तो ये सही हो जाएगा।
जैसे एफ डबल उठा डबल ई में, समझ रहे हो ना? ये रूल सबको समझ में आ गया? चलो ये जल्दी से नोट डाउन करो, मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, आता हूँ। बहुत खूब, चलो जल्दी जल्दी करो साथियों। बोलो जल्दी जल्दी यार, हो गया? रब कर दूं? और साथियों क्या करना ना, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? ऐसा कोई भी एक, देखो भाई बंदे 25 30 40 जुड़ने से हमारे काम नहीं चलने वाले। मैं कितने दिन से कमेंट में भी, ठीक है, कमेंट में भी मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, 50+ भाई एक दो लड़कियों को सिखाने नहीं आए हम लोग। जना भाई मैं बताता हूँ, ऑफलाइन की बात मैं बताता हूँ, ऑफलाइन में कहाँ पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भाई एक बैच में 50+ लड़के। एक चीज़ आपको पता है, फ्री का चीज़ों का मतलब वैल्यू नहीं कर रहे, बहुत गर्व ना भाई। लाइव में इतने बच्चे जुड़े भाई, ऑफलाइन में मुझे पता है कि वीडियो चढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बहुत अच्छा खासा व्यू भी, बहुत अच्छा खासा वॉच टाइम भी जाता है, सारे पूरे वीडियो अच्छे तरीके से देखते हैं। लेकिन लाइव में जुड़ोगे, कुछ क्वेश्चन पूछोगे साथी, जब क्वेश्चन पूछोगे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। हम ये चाहते हैं इंडिया का हर बच्चा का डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है? चलो रूल 7 ये कहता है साथियों, रूल 7 ये कहता है कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, रूल 7 ये कहता है कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल एक ही होता है, ठीक है? जिसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, समान होता है, दोनों सिंगुलर प्लूरल में दोनों यूज कर सकते हो। कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होता है, बताओ। रूल में किस किस को समझ में आता है, एग्जाम्पल दो साथियों, इसका एग्जाम्पल चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी कमेंट करो, बताओ ऐसा कौन सा नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल में दोनों एक ही होता है, कौन सा नाउन है बताओ मुझे साथियों, आप लोग जल्दी से बता दो। जैसे देखो एग्जाम्पल में, देखो डियर, डी डबल ई आर, डियर मतलब हिरन, समझ रहे हो? डियर मतलब हिरन। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो, कैसे सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। आप लिख सकते हो डियर इज भी लिख सकते हो, ठीक है, तो डियर आर भी लगा सकते, लेकिन इसमें इस लगाने की गलती नहीं करना, इस लगाओगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डियर ही रहेगा, समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो वर्ड है डियर ही रहेगा, इसके साथ चाहो तो इज भी लगा सकते हो, चाहो तो आर भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। इस सिंगुलर में भी यही रहता है, प्लूरल में यही रहता है, यही बता रहा हूँ। रूल कह रहा है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में एक ही होते हैं, ठीक है? और देखो साथियों ये नाउन नंबर है, नंबर समझ, इस चीज़ को आपको दो तीन बार बारीकी से नहीं समझोगे ना नहीं आएगा, समझ लो ना? बहुत इजी सब्जेक्ट, इजी टॉपिक भी है, बहुत टफ टॉपिक है, ठीक है? कुछ बच्चों को समझ में एक बार में नहीं आते। एग्जाम्पल में डियर हो गया, सिप भी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो साथ ही, सिप भी हो जाएगा और फ्रिज आर फ्रिज भी हो सकता है, ए सी आर आई एस, और क्या हो सकता है साथियों बताओ, फ्रिज भी हो सकता है आपका, और बता दो पेयर आर पेयर इज, पेयर भी हो सकता है पेयर, और तमाम जो वर्ड होते हैं कुछ ऐसे और भी वर्ड होते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल में एक होते हैं, ये चीज़ों को आपको क्वालिफाई करना, ठीक है? और ये सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे, फिर दो तीन बार समझोगे, लिखोगे कॉपी में, फिर उसे पढ़ोगे और क्वेश्चन लगाओगे, फिर डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों को आसानी से पाओगे क्या क्या कौन सा होता है। ये रूल समझ में आया कि नहीं, किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया, बता दो जल्दी जल्दी भाई, किस किस को समझ में आया, किस किस, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ साथियों। स्पेसिस भी होते हैं, मानता हूँ आपके स्पेसिस भी हो जाएंगे, ये रूल समझ में आ गया ना? चलो अब रूल 8 लिख लो, रूल 8 कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे
नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में, जो देखने में क्या होता है साथियों, देखने में सिंगुलर लगते हैं। क्या साथियों? साथियों सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि एक वचन, सिंगुलर देखने में सिंगुलर लगते हैं, बट वो प्लूरल फॉर्म लेते हैं। देखो कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो देखने में सिंगुलर है लेकिन वो वर्ब कैसा लेता है, वो वर्ब प्लूरल फॉर्म लेता है। समझ रहे हो ना? जैसे मैं बताऊं साथियों, आप बताओ, ये वाला बहुत आसान है, आपको इसको बताना, जल्दी बताओ। अरे पीपल, देखो पीपल देखने में हम लोग कैसे लगता है, सिंगुलर लगता है, लगता है कि पीपल सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअली जब पीपल लिखते हो तो पीपल इज नहीं लिखते हो, पीपल आर लिखते हो। तो बच्चे कहेंगे पीपल होता है, नहीं साथी पीपल नहीं होता है, पीपल होता है। तो प्रोनाउंसिएशन करोगे तो पीपल होता है। एग्जाम्पल में जैसे ले लो पीपल, पुलिस भी हो जाएंगे। अब देखो बहुत सारे धुरंधर बच्चे कहेंगे सर पुलिस कैसे हो सकता है, इट नॉट पॉसिबल, इज इट कांट पॉसिबल टू बिकम ए पुलिस इन प्लूरल, पुलिस हो ही नहीं सकता है। देखो साथी तो देखना, अच्छा बताना पुलिस कहीं भी अकेले जाती है? पुलिस कहीं भी जाती है साथी? मुझे बताना पुलिस कभी भी अकेले जाती है? नहीं, अपने साथ गाड़ी में दो तीन चार, एक तो हवलदार, एक के साथ जो भी कुछ होते हैं वो सारे एक साथ जाते हैं। यानी कि पुलिस एक अपने आप में साथ में दो तीन चीज़ों करके एक साथ में जाते हैं, यानी कि मोर देन वन रहता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो वर्ब भी तो प्लूरल लेगा साथी, बताओ वर्ब भी प्लूरल लेगा ना, जेंट्री भी हो सकता है इसमें, पब्लिक भी हो जाएगा। अब बताना पब्लिक देखने में लगता है ना, पब्लिक पब्लिक सुनते हैं, पब्लिक देखने में लगता है सिंगुलर, बट ये वर्ब कैसा लेता है साथियों, प्लूरल वर्ब देता है। बताओ ये रूल और ये रूल में किसी को दिक्कत है तो बताओ साथियों, रूल क्लियर होना चाहिए। इसकी एग्जांपल दे दूं, ये रूल क्लियर करो साथियों पहले। और देखो साथियों जब कभी देखो पढ़ाने में कम मजा आता था, जब आप किसी चीज़ को शेयर को सेशन को शेयर करते हो, बच्चा ज़्यादा आता है ना वहाँ, आप में थोड़ा एनर्जी आता है। देख रहे हो आजकल मेरा एकदम वो हो चुका है क्योंकि अजीब टाइप्स लगता है मुझे। चलो इसे नोट डाउन करो साथियों, से कॉन्सेप्ट बहुत सारा धास उदास हुए है, हर बार अच्छी अलग अलग चीज़ सीखते रहेंगे। अभी फिलहाल ये नोट डाउन जी क्या लिखे, चलो बढ़िया है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चंस। बहुत वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट रूल पर आते हैं, एक दो रूल और बचेंगे फिर इसके बाद इसके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है साथियों। और इसके एडवांस रूल, देखो अगर तुम लोग 50 प्लस लाए स्टूडेंट को, एडवांस रूल भी सिखाऊंगा, और एडवांस में भी सुपर एडवांस रूल होते हैं इसके, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन कब, जब 50+ स्टूडेंट जुड़ने लगेंगे, अदरवाइज ये जो आपके सिलेबस में पढ़ने होते हैं नाउन नंबर, उतना ही पढ़ा करके मैं इसे चैप्टर इस टॉपिक को एंड कर दूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, ठीक है। मुझे सब चीज़ आते हैं, जैसे आप करेंगे वैसे हम भी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप जो चीज़ों के आप अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें हमें, समझ रहे हो ना, जो चीज़ का मांग हो वही पढ़ाया जाता है। जब आप मुझसे जिलेबी मांगेंगे तो मैं आपको रसगुल्ला दूंगा ना, तो आप उसकी कीमत को नहीं समझेंगे। तो आप रसगुल्ले मांगेंगे 5 रुपये वाला, मैं आपको 20 रुपये वाला दे दूंगा, अगर मिस्टेक से आप उसका कीमत नहीं करेंगे, वही चीज़ आप पे करके लेंगे ना, आप उसका वैल्यू करेंगे। इसी तरह जब तक 50+ हो जाएगा उसके बाद एडवांस रूल का सब कुछ का एक पर एक एडवांस मिला इसका, एक पर एक इसका बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि एडवांस में पढ़ने के लिए आपको 50+ स्टूडेंट लाना पड़ेगा। मैं नहीं जानता आप कैसे लाएंगे, आई डोंट नो, इज इट योर ड्यूटी, बस मेरा ड्यूटी है मुझे पढ़ाना, और मैं अपने ड्यूटी को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से निभा। चलो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, चलो आ जाओ। अब ये हमारा रूल 9 देखो, रूल 9 बहुत प्यारा रूल 9 है, कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, समझ रहे हो ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं साथियों जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेते हैं और सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। देखने में लगेंगे आपको प्लूरल लेकिन वर्ब क्या लेंगे साथियों, आपके साथ सिंगुलर लेंगे और सिंगुलर
होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, भाग भी सिंगुलर। जैसे चलो इसको लिख देता हूँ हिंदी में, कुछ नाउन नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन देखने में प्लुरल होते हैं बट वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं साथियों? सिंगुलर होते हैं। तथा अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। देखो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो तो देखने में प्लूरल लगेंगे, लेकिन के साथ भाव क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। और वह होते भी कैसे? सिंगुलर ही होते। जैसे देख लो एग्जाम्पल में ले लो न्यूज देखो, देखने में आपका प्लूरल है लेकिन यह वास्तव में सिंगुलर होता है। क्या होता है साथियों? वास्तव में ये सिंगुलर होता है। समझ रहे हो ना? मैथमेटिक्स देखो, देखने में लग रहा है प्लूरल, देखने में क्या लग रहा है साथियों? आपको प्लूरल, लेकिन वास्तव में क्या होता है? सिंगुलर होता है। समझ रहे हो ना? देखने में है ये प्लूरल लेकिन वास्तव में होता क्या? सिंगुलर। और मैथमेटिक्स के साथ आप आर का यूज नहीं कर सकते, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते हो, पढ़ को तो हमेशा सिंगुलर के यूज कर। ठीक है, जो पॉलिटिक्स जैसे ना, पॉलिटिक्स देखने में एस लगा हुआ लगता होगा प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर होते हैं। जितने भी दिखा मेरे सब सिंगुलर होते हैं, और इसके साथ जो भाव भी आता है सिंगुलर आता है। बताओ ये चीज़ समझ में आई? अब न्यूज आर नहीं कर सकते हो, लिख सकते हो न्यूज इज, लिख सकते हो न्यूज आर कोई नहीं। मैथमेटिक्स इज होगा, मैथमेटिक्स आर नहीं होगा। समझ रहे हो ना? और देखो इसके कुछ एडवांस रूल भी होते हैं, वो कब बताए जाएंगे? जब आप दस स्टूडेंट बोलेंगे। समझ रहे हो ना? 50+ यानी 50 मीन्स 50+ होने चाहिए। तो मैं इसके क्वेश्चन में रूल बता दूँ, देखो पता है 50+ करने की आप लोग को। आज ये रूल 9 समझ में आ गया? बताओ रूल 9 समझ में आ गया? आ गया तो कमेंट करो। अरे सर गुस्सा नहीं है, ठीक है सर गुस्सा नहीं होते, बस आप सोच बस वो लगती है यार, इतने कंटेंट दो, कंटेंट कोई बताता नहीं है, कंटेंट का आप लोग वैल्यू नहीं करते। मत रहना वो चीज़ में गुस्सा कभी किसी। चलो आ जाओ रूल 10। अरे सबको ही मेरे लिए प्यार हो भाई, कोई नहीं है मेरे लिए। भाई एक बात याद रखना कि टीचर कभी भी कोई गुस्सा नहीं होता, गुस्सा भी होता है ना तो आपके भले के लिए होता है, आपके अच्छाई के लिए कोई गुस्सा होता है भाई। ऐसा कोई तो बताना, आपकी मम्मी ऐसा थोड़ी आपकी बुरा चाहेगी कभी, ऐसे टीचर होते हैं ठीक है, वो कभी नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट कभी हमारे स्टूडेंट के कई भविष्य फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद की ओर चले जाए, कभी नहीं चाहते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट टॉप पे रहे, और टॉप पे रहने के लिए डांटना भी पड़ता है, कभी कभी समझाना भी पड़ता है, कभी उन्हें चीज़ों को बताना भी पड़ता है। समझ रहे हो ना? रूल 10 लिखूँ, देखो रूल 10 ये कहता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड ना होने, अब जैसे मदर MOTHER मदर इन ला, अब इसका प्लूरल बनाओ। कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे? देखो इसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन, यानी कि मोर देन, मतलब समझ रहे हो ना, कंपाउंड नाउन इसे बोलते हैं। अब इसका प्लूरल कैसे बनाओगे बताओ, बताओ इसका प्लूरल कैसे बनाओगे? देखो रूल ये कहता है जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो हमें जो मेन नाउन होता है, तो मेन नाउन होता है, इसमें जो मेन होता है में हम लोग क्या करते हैं साथियों? एस या एस लगा करके इसके हम लोग प्लूरल। अब देखो साथियों आप अभी पहचान लिया कि नहीं हो, आपकी लेवल हाई नहीं है कि आप यहाँ पहचान सको कि मेन कौन है, तो मेरी बात मानो जो आपको इसमें देखने में लेटर में सबसे बड़ा हो, अब बताना 1 2 3 3 लेटर का, 1 2 2 लेटर का, लेकिन देखो 1 2 3 4 5 6
सबसे बड़ा ये है ना, इसी में ये ठीक है अपने कुछ अनुभव करके पाया, मतलब अनुभव करके इसको पाया हूँ कि तो बड़े वाला लेटर होता है, बड़े वाला वर्ड होता है, ज़्यादा संख्या होती है लेटरों की, उसी में एस और एस लगा दो। जब इसका प्लूरल बनाओगे क्या कर दोगे, मदर्स इन लॉ, बताओ। ये चीज़ें सीखे थे आपने, आप रट्टा मारते हैं कि इनके इंटरनल में लगाएंगे तो फिर दिखते होते हैं, बताओ। तो समझ गए, अब जैसे तो गर्लफ्रेंड देख लो यहाँ, बताओ अब, बताओ अब तुम लोग बताओ गर्लफ्रेंड। बहुत सारे बच्चे होंगे अब खुश हो गएंगे गर्लफ्रेंड के नाम सुन के, उन्हें तो पढ़ना नहीं है, बहुत बच्चे खुश हो गएंगे। बताओ इसमें किस में लगाओगे ये सब रेस, गर्ल्स में लगेगा, गर्ल्स में लगेगा साथियों एस यू एस नहीं। अरे साथियों मैं नहीं बताऊँ, जो बड़ा हो देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार, बड़ा तो यही हुआ ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे गर्ल फ्रेंड्स हो जाएगा, गर्ल्स गर्ल फ्रेंड्स, इसमें एस लगाओगे फ्रेंड्स में एस लगेगा, ना कि गर्ल में, गर्ल में नहीं लगाना, समझ रहे हो ना, रहे हो ना। एक कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड नाम के लिए सुनो, यहाँ पे लिख लो रूल लाइन में कंपाउंड नाम, ठीक है। कंपाउंड नाम को कैसे बनाते हैं, एक कंपाउंड नाम के लिए था आपको करना क्या, जो बड़ा वाला होगा उसमें एस और एस लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंदर हम लोग इंटरनल चेंज देंगे, जैसे मैन वुमेन, समझ रहे हो ना, मैन वुमेन, इन सब में कैसे बनाओगे, तो देखो वर्ड दे दिया मैंने, मैन सर्वेंट, अब बताओ इसमें कैसे बनाओगे, बताओ इसमें कैसे बनाओगे। देखो जब यहाँ पे मैन वुमेन जुड़ जाए वर्ड में, तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए दोनों वर्डों में चेंजिंग करते हैं, दोनों नाउनों में चेंजिंग करते हैं, क्योंकि दोनों अपने आप में, दोनों अपने आप में क्या है, मेन है, ये भी मेन है, ये भी मेन, सर्वेंट भी अपने आप में फुलफिल करता है, मैन भी अपने आप में फुलफिल करता है, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों में हम लोग चेंजिंग करते हैं। मैन का क्या हो जाएगा, मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन, और सर्वेंट का हो जाएगा साथियों सर्वेंट। देखो साथियों ये सब कब समझ में आएंगे, जब इसका क्वेश्चन करोगे, ठीक है, जब इसकी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, विदाउट प्रैक्टिस आपको थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन इसे आप याद करके चलना, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस में क्या करोगे, तो बड़ा वाला लेटर होगा उसमें इस लगा दोगे, लेकिन मैन वुमेन दो ही याद रखना, मैन वुमेन वाला जो वर्ड आ जाए, मैन सर्वेंट, मैन डॉक्टर, मैन पुलिस, तो इन सब में आपको बनाने के लिए दोनों में चेंजिंग करते हैं, चलो। और दूसरा देखो, इसमें जैसे वुमेन वाला दे दिया, वुमेन डॉक्टर, अब इसका बनाओ, वुमेन डॉक्टर का प्लूरल कैसे होगा, जल्दी बना दो, सबकी कमेंट देख लूँ, चलो जल्दी बनाओ। वुमेन सर, वुमेन डॉक्टर के बनाओ, आ जाओ। वुमेन को तो पहले प्लूरल बनाएंगे तो वुमेन हो जाएगा ई लगा करके, डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाते हैं, डी ओ टी हो जाएंगे वुमेन डॉक्टर्स, ई लगेगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना। और इसके बाद एक और रूल बचता है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छे से, अरे बच्चे बचा बता रहे हैं, इसके एग्जांपल खूब दे रहे हैं, रब कर लो। और ये लास्ट रूल रहेगा जो बेसिक रूल होते हैं, इसके बाद भी एडवांस रूल होगा, ठीक है, इसके बाद जो आएंगे एडवांस रूल आएंगे, एडवांस रूल पढ़ने के साथ ही आप एग्जाम में नहीं आते, यदि आप ट्वेल्थ लेवल तक हो, ठीक है, उनकी एग्जाम में एडवांस रूल नहीं आते, ये आपकी जो बोर्ड एग्जाम जितने आते हैं बोर्ड एग्जाम तक के लिए ये आपके यूजफुल है, और छोटे मोटे वन डे छोटे मोटे एग्जामों के लिए भी आपके ये यूजफुल रूल थे, लेकिन इसके बाद पढ़ने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, 50+ स्टूडेंट को लाना पड़ेगा, फिर वो आपका हम एडवांस रोल करवा देंगे। और एडवांस रोल साथियों आपके दिमाग का जो नस होता है ना, नसों में खून की जो रफ्तार वो तेज कर देगा, तो जो सर ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है अगर नहीं आया जुबान से ना, ऐसा भी होता है क्या, फिर मेरे को अटक बोलना, जो बोलना होगा मैं सब पढ़ने के लिए रेडी रहूँगा, लेकिन एडवांस पढ़ने के लिए आपको 50+ स्टूडेंट को करवाना होगा, वो आप सोच। आज रूल 11 कहता है, लास्ट रहेगा मेरा ये,
मैं चाहूँ तो आप रूल 13 तक कर सकते हो, रूल 11, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो यू एस से एंडिंग करते हैं, तो आप कैसे करेंगे? बुक में इसको एक्सेप्शन में रखा जाता है, ठीक है साथियों, बुक में इसे एक्सेप्शन में रखा जाता है, लेकिन आप इसके रूल सीख लें। जो यू एस होता है, कोई वर्ड यू एस से समाप्ति करे, लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, याद रखना, लैटिन वर्ड है ये सब, इसके जितने भी आते हैं ना वो सब लैटिन वर्ड आते हैं, ठीक है। तो वर्ड यू एस से समाप्ति करे तो हम यू एस को हटा करके आई लगा देते हैं, ऐसे कैक्टस, कैक्टस है तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, टी ए सी टी यू आई, कैक्टाई हो जाए, ठीक है। तो जब हम लोग बनाएंगे यू हट जाएगा ना, यू एस के बदले में आई लगाएंगे तो कैक्टी हो जाएगा, टी ए सी टी आई, समझ रहे हो ना, टी ए सी टी आई, यानी कि यू एस को हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट किए हैं, आई में। कहते हैं कि यू एस को हम लोग आई में चेंज करके इसका प्लूरल फॉर्म बना, ये सिंगुलर था कैक्टस, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, कैक्टी। अब जैसे रेडियस पढ़ते होंगे, मैथ के बच्चे होंगे जो कहते हैं रेडियस, आर ए डी आई यू, अब देखो यू एस को क्या करोगे, आई में बदलोगे, क्या हो जाएगा साथियों, रेडी आई, आर ए डी रेडी, रेडी आई, समझ लो, रेडी आई, ये प्लूरल फॉर्म होता है या सिंगुलर फॉर्म है, रेडी आई। बताओ ये रूल 11 समझ में आ गया? आज कुछ ऐसे भी रूल होते हैं, कुछ ऐसे भी लैटिन वर्ड होते हैं जिसको आई एस से समाप्ति करेंगे, साथ क्या चीज़ आई एस से समाप्ति करेंगे तो उसका हम लोग प्लूरल बनाने के लिए जो आई एस होता है इसको हम लोग क्या चीज़ में बदलते हैं, ई एस में बदलते हैं, साथ क्या चीज़ में, ई एस में। जैसे देखो बेसिस, ई ए एस आई, अब देखो आई एस है तो आई एस को क्या चीज़ में बदलेंगे, ई एस में, तो क्या हो जाएगा साथियों, बेसिस हो जाएगा। ये भी आपके साथ में क्या है, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में है, बताओ बताओ, समझ रहे हो ना। अब जैसे एक्सिस देख लो, एक्सिस ए एक्स आई एस, यहाँ भी आई एस है तो क्या हो जाएगा साथियों, इसको ई एस में बदलेंगे, क्या हो जाएगा साथियों, एक्सेस हो जाएगा। अब बताओ समझ में आ रहा है ना, ये आपका रूल कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, रूल इसको 12 कर लेंगे, समझ पा रहे हो ना। आई एस है तो ई एस में बदल के इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, कुछ लैट सब सारे लैटिन वर्ड है, आई एस था ई एस में बदला, यू एस था आई में बदल के इसका प्लूरल फॉर्म बनाया, यू एस था आई में। इसका एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है सब, आप इसके कॉमन उठाओगे, इसके भर भर के क्वेश्चन आती है, जब आप वन डे एग्जाम में जाओगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाओगे तो क्वेश्चन बहुत आता है, और ये जनरल में ही पढ़ना है, बेसिक में ही पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसको चीज़ बता दिया, समझ में आ रहा है, चलो एक और बच जा रहा है, ठीक है, तो बता देते वो तो क्यों छोड़ दे, तो नहीं छोड़ेंगे, वो भी सीख ही लो, तो उसे भी खाई दूँ, वो भी बहुत प्यारा कंसेप्ट, वो यूजफुल है आपके लिए, समझ रहे हो ना। जब कोई वर्ड किया हो ओ एन, क्या चीज़ आती हो, ओ एन या यू एम, ओ या यू एम, ये जब इन सबों से सब कोई समाप्ति करे तो इसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए उन दोनों को हटा करके ए लगा देते हैं, क्या करते हैं साथियों, ए लगा देते हैं। जैसे बताओ एजेंडम, पहले देख लो एजेंडम, देखो यहाँ पे यू एम है, यहाँ पे इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देंगे साथियों, एजेंडा कर देंगे, ए जे ई एन टी, यू एम के बदले ए में तो एजेंडा हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि भाई एजेंडा क्रिएट मत करो, एजेंडा जो वर्ड होता है वो प्लूरल होता है, बताओ समझ में आ रहा है। जैसे डाटम, डी ए टी यू एम, इसको जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा डाटा, जो डाटा बोलते हैं ना, डाटा डाटा कितना है, तो जो डाटा वर्ड वो अपने आप में क्या होता है साथियों, प्लूरल होता है। डाटा क्या होता है साथियों, अपने आप में ये प्लूरल फॉर्म में होता है, डेटम से बना हुआ। यू एम को हम लोग क्या करते हैं साथियों, यू एम को हम लोग चेंज करके ए में लाते हैं तो ये डाटा बन जाता है, डाटम से। अब देखो कुछ और वर्ड देख लो, फेनोमेना, और वर्ड जैसे है फेनो, फेनो क्या हो जाएगा साथियों, मेनन, एम ई एन ओ एन। अब देखो यहाँ पे ओ एन है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा साथियों, फेनोमिना हो जाएगा, फेनोमिना। आप ये सब फेनोमिना देखते होंगे तो ये सब अपने आप में क्या है साथियों, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और उसको हम लोग सिंगुलर में फेनोमिनन हो जाता है, डाटा प्लूरल है, सिंगुलर में यूएम लग जाएगा तो डेटम हो जाएगा। ये जो थे हमारे नाउन एंड नंबर के कुछ रूल थे बेसिक,
और एडवांस पढ़ने के लिए साथियों करना यही पड़ेगा, 50+ यानी कि मोर देन 50 होना चाहिए तभी एडवांस बताएगा। ठीक है, एडवांस आपके जो एग्जाम में नहीं आते लेकिन नॉलेज के पर्पज से आपको वो भी जानना जरूरी है। तो ये थे हमारे बेसिक रूल और इसके चले क्वेश्चन हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस चीज़ों का हो जाए, समझ लो ना, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओ, आ जाओ हम लोग। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे कि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, सभी कोई बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहा है आप सभी का, बहुत खूब। आ जाओ क्वेश्चंस देखो, पहला क्वेश्चन लेडी, लेडी का प्लूरल फॉर्म बनाओ। सेकंड क्वेश्चंस देख लो, फ्लाई, फ्लाई का प्लूरल बनाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाते चलो। थर्ड नंबर क्वेश्चन है की का प्लूरल बनाओ, की, ठीक है, आ जाओ आप लोग। इसके बाद रेडियो का प्लूरल बनाओ, ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या बनाओ, फोटो का प्लूरल फॉर्म बनाओ, फिर उसके बाद सिक्स नंबर मैन का भी प्लूरल फॉर्म बनाओ, ठीक है, और सेवन नंबर डियर का प्लूरल फॉर्म बनाओ। चलो सात क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, लेडी, फ्लाई, वीडियो, फोटो, बैंड, डियर, इनकी आप प्लूरल फॉर्म बनाओ और जल्दी जल्दी बनाओ, तब इन्हीं के साथ हम अपने क्लास में क्या करेंगे, एंड करेंगे। यहाँ पे सारे कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे, रूल सेवन तक अपने जो भी सारे कंसेप्ट अभी क्लियर कर देंगे, शुरू से लेकर अंत तक सारे इसमें कवर हो जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी बताओ, देखो हमने सीखा था वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो, आई ई, इसमें हम लोग इसे क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, वाई को आई में करते हैं और फिर ई एस लगाते हैं। हमने आपको बताया था डायरेक्टली क्या करना है, आई ई एस को हम कन्वर्ट कर देते हैं, वाई को हटा करके हम क्या करते हैं, आई एस लगाते हैं, क्या हो जाएगा साथियों, एल ए डी आई ई। फ्लाई में भी वैसे करेंगे, क्या वाई है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, फ्लाई भी क्या हो जाएगा साथियों, आपको फ्लाई जो हो जाएगा। चलो लेकिन यहाँ पर वर्ड है की, देखो वाई के पहले क्या है, बॉवेल है, और मैंने बताया था वाई के पहले अगर बॉवेल हो सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं, यहाँ पे इसका प्लूरल क्या हो जाएगा साथियों, चीज हो जाए, समझ गए, आ जाओ रेडियो। अब बताओ रेडियो का कोई प्लूरल बताओ जल्दी से, देखो साथियों ओ के पहले क्या है, तो बॉवेल है, तो क्या हो जाएगा साथियों, रेडियोज हो जाए, क्योंकि हमने बताया था साथियों ओ के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ और सिर्फ एस लगा, लेकिन ठीक है कॉन्सोनेंट होता तो एस लगाते, तो बताओ यहाँ पे फोटो में टी है तो फिर इसके पहले क्यों नहीं लगा एस, तो हम लोग फोटोज ही क्यों बनाते, दिमाग में क्वेश्चन, फोटोज में ओ के पहले कॉन्सोनेंट है फिर हम लोग एस ही क्यों लगाते, तो सब कुछ एक्सेप्शन में नहीं होता, समझो जब कोई टेक्नोलॉजी या साइंस से रिलेटेड कोई वर्ड होता है, यानी कि टेक्नोलॉजी, ये बताओ फोटो क्या होता है, टेक्नोलॉजी से ही नहीं बनता है कोई चीज़, कैमरा होता है, कैमरा क्या होता है, टेक्नोलॉजी होता है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो कुछ भी वर्ड जुड़े होते हैं आप सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं, याद रखना टेक्नोलॉजी एंड साइंस से जुड़े वर्ड के साथ जो बनाने के लिए उसके साथ एस का यूज सिर्फ और सिर्फ करते हैं, यहाँ भी फोटो के साथ क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। अब बताओ मैन, मैंने बताया था कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके इंटरनल पार्ट में वोवेल लेटर में चेंजिंग करके हम लोग बनाते हैं, मैन का हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया था साथियों, मेन। देखो डियर, ने बताया था कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल में दोनों एक समान होते हैं, तो डियर यहाँ पर डियर का डियर ही हो जाएगा ना, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल दोनों एक ही होता है ना, बताओ यहाँ से आपके कंसेप्ट कुछ क्लियर हुए कि नहीं, अच्छा कुछ रूल के और भी कंसेप्ट क्लियर कर लो, जैसे क्लास, आठवें नंबर क्वेश्चन लो, बताओ क्लास का प्लूरल क्या बनेगा, अभी क्लास या क्लासेस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जिसके अंत में एस डबल एस सी एच एक्स समझ लो जेड इन सभी वर्डों से समाप्त कर कोई वर्ड उसका प्लूरल बनाने के लिए इसके मतलब, इस तरह से आपका अधिकांशतः रूल क्या हुए, कवर हो गए और आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख लिए। साथियों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, और हाँ इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखे होगा ना
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करना है, धुआं की तरह यानी कि पूरे फैला देना सभी दोस्तों का, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम में जाना और वहाँ पे सर्च करना है PVR स्टडी, वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।